हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नया वीडियो लेके हुई जो कि सूजी का ढोकला बन के रेडी होएगा। बहुत ही टेस्टी ढोकला बनेगा और फ्लफी बनेगा ये। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है जो कि बारीक वाली सूजी है। ये आप कोई भी मेजरमेंट या कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हो। 1 कटोरी सूजी लेना है। ये 1 कटोरी सूजी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसी नाप से मैं दही लूँगी। ये 1 कप दही ऐड कर रहे हैं इसमें। ये 1 चम्मच हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये 1 चम्मच और ऑयल डालेंगे इसमें। ये 1 चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे। इडली जैसा बैटर बनाना है इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे जिससे कि सूजी अच्छी दही में फूल जाए। आप इसमें चीनी भी 1 चम्मच डाल सकते हो। मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए। एक इनो का पाउच इसमें डाल रहे हैं। 1 चम्मच इनो डाल रहे हैं। तो इस पर ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें ऊपर से पानी डालेंगे। इनो के ऊपर ही पानी डालना है बस। आज ये खमन ढोकला इसमें बना रहे हैं। केक टिन में बना रहे हैं और कढ़ाई में बनाएंगे इसको। इडली मेकर में नहीं बना रही हूँ मैं। ये पानी उबलने रख दिया है। अब जो बैटर तैयार हो गया है, इनो डाला था, अच्छे से मिक्स किया। उसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ये तो एयर बबल्स सारे निकल जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बैटर केक टिन में डाल देंगे। केक टिन नहीं होता, आप स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं गोल। फिर सारा बैटर इसमें डाल दिया है केक टिन में। और अच्छे से बैटर को हल्का सा टेप करना है, ज़्यादा टेप नहीं करना है। इसको कढ़ाई में रख दिया है मैंने। ऊपर से इसकी लीड लगा देंगे। 15 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है। 15 मिनट के लिए इसकी लीड लगा के रखेंगे। फिर बीच में इसको चेक करेंगे 15 मिनट बाद। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही फ्लफी ढोकला बन के रेडी हुआ है। ये मैं नाइफ डाल रही हूँ अंदर और एकदम से पूरा साफ निकला है। बहुत ही अच्छा फ्लफी बन के रेडी हो गया है 15 मिनट के अंदर। साइड में से गोल गोल किनारों को चक्कू से अलग करेंगे और प्लेट के सहायता से इसको बाहर निकाल, हल्का से इसको टैप करके बाहर निकालें। देख सकते हैं कैसी जालीदार बनाए। ये तड़के के लिए मैंने लंबी लंबी स्लाइस में 2 हरी मिर्ची, राई और सफ़ेद तिल लिए और 1 नींबू निचोएंगे और 1 पिंच हींग लिए। तड़का पैन में मैं सारी, अब इसको हींग भी लिए इसमें, 1 पिंच हींग लिए। अब इसको खमन ढोकले के ऊपर ऐड करेंगे। तड़का ऊपर से खमन ढोकले पे ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तड़का डालने के बाद अब इसमें कट कर देंगे, अलग अपनी इच्छा अनुसार शेप में काटेंगे इसको। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें जो कट लग रहे हैं उससे आपको पता चल रहा है कितना फ्लफी बना है ढोकला। ये ढोकला बन के रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी ढोकला बना है। सूजी का ढोकला बन के रेडी हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।